new, then subscribe to my channel. So, कल संडे था और संडे को हमने बनाए थे पोहे, और जो पोहे है वो बच चुके थे, तो मैं ये बचे हुए पोहे का आज कटलेट बनाऊंगी. Let's begin, guys. So, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बचे हुए पोहे थे, तो इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट मिक्स है ऑलरेडी, तो मुझे कुछ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है. तो मैं इसे मैश कर रही हूँ, थोड़ा बारीक कर रही हूँ, और मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो सॉल्ट ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि मैं करने वाली हूँ अभी मैदा मिक्स इसके अंदर. और मैं मैदा इसके अंदर इसलिए मिक्स करने वाली हूँ क्योंकि जब मैं कटलेट का शेप दूंगी सर्कल में, तो ये टूटे ना और फ्राई करने पर भी टूटे ना. तो इसके अंदर मैंने मैदा ऐड कर लिया है और मैं इसे मैश कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैंने इसे बारीक करके मैश कर लिया है, और मैश जो है मेरा रेडी हो गया है. और अब मैं इसके कटलेट बनाऊंगी, कटलेट की शेप दूंगी पोहे को. तो अभी मैं कटलेट की शेप दे रही हूँ अभी. सो आप अपने पोहे के अकॉर्डिंग मैदा ऐड कर सकते हैं और सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. सो मैंने इसे कटलेट की शेप दे दी है, और कटलेट को फ्राई करने से पहले मैंने मैदा लिया है और नमक डालकर उसे पानी के अंदर घोल लिया है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा लिया है, क्योंकि कटलेट को इसके अंदर डीप करके मैं फ्राई करूँगी. सो गैस ऑन करके मैंने फ्लेम जला ली है, और ऑयल डालकर मैं उसको थोड़ी देर ऑयल को गर्म होने दूंगी, देन उसके बाद मैं कटलेट को फ्राई करूँगी. तो मेरा ऑयल गरम हो चुका है, और मैंने आपको बताया था कि मैदे में थोड़ा सा सॉल्ट और पानी डालकर उसे घोलना, और उसके अंदर कटलेट को डीप करना और फिर फ्राई करना, ताकि आपके जो पोहे के कटलेट है वो टूटे ना, अच्छे से फ्राई हो जाए. तो मैंने भी कटलेट को उसके अंदर डीप करके फ्राई किया है. और ये याद रहे, जो मैदे का घोल है वो ज़्यादा पतला ज़्यादा मोटा भी ना करें, मैक्सिमम ही रखें. ये देखो, ये मैंने फ्राई कर लिए हैं, और बाकी फ्राई हो रहे हैं यहाँ पर. सो होप आप सभी को मेरी रेसिपी पसंद आई हो, तो आप भी ट्राई करना ज़रूर अपने घर पर बचे हुए पोहे के कटलेट बनाना. बचे हुए पोहे के कटलेट हमारे बन चुके हैं, काफ़ी क्रिस्पी दिख रहे हैं, और आप सबका भी वेलकम है कटलेट खाने के लिए. थैंक यू गाइज वॉचिंग माई वीडियो, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग. मेरा ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करेगा. सो मेरे कटलेट बन चुके हैं, और ये छोटे छोटे दो बच्चे खाने के लिए देखो कितने एक्साइटेड हैं. सो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ओवर कर रही हूँ. बाय बाय.